नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है जी, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है मैं बताना चाहूँगा जी, काफ़ी जाना माना जो चेहरा और काफ़ी युवा पशुपालक है जी, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भाई संदीप। और आज की वीडियो मैं बताना चाहूँगा जी, जो आज की जो कवरेज है जी भाई के, जो कि होम ब्रिड जो कि आप जैसे कि जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। और बताना चाहूँगा जी, देखिए व्यापार का काम है जी भाई का रूटीन से, लेकिन देखिए भाई के पास घर की एक जो कि भैंस है जी, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसी के जो बच्चे हैं जी भाई ने काफ़ी अच्छे जो कि तैयार है वो किए हैं, और आज की वीडियो में आप लोगों को जो कि रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस है वो बताना चाहूँगा, भाई का जो गांव है जी श्याथोर, जिला लगता है जी चरखी दादरी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा जी, काफ़ी कम उम्र के जो पशुपालक है और काफ़ी कम उम्र में जो भाई का जो नाम है जी आज की डेट में जो फील्ड में एक सोशल मीडिया पे एक नाम है जी शर्मा डेयरी फार्म के नाम से, जो कि आप जितने भी वीडियो निकालोगे हर वीडियो में बढ़ चढ़ के जो कि पशुधन को दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो कि पशुधन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मिलवाते हैं भाई संदीप से और पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई संदीप से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, साहब कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, सबसे पहले तो सभी चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। और काम वगैरह कैसा चल रहा है भाई साहब? बढ़िया चल रहा है। तो आज अपनी होम ब्रीड दिखा रहे हो? हाँ ठीक है। तो जो कटड़ा जो आज हमारे से जो आप दिखा रहे हैं ये अपनी भैंस का है जी? हाँ अपनी भैंस का, अपनी जो घर पे भैंस है। हाँ ठीक है। तो होम ब्रीड भी और साथ साथ रिजल्ट भी दिखाऊंगा। अच्छा जी। हाँ ठीक है। तो देखिए जी, सारा का सारा जो कि डाइट प्लान है भाई से वो भी जानेंगे, बल्ड लाइन भी जानेंगे। देखिए जी, कम उम्र में जो कि एक इतना अच्छा जो भाई का जो एक्सपीरियंस है जी पशुधन में वो रहा है, तो भाई से मिलवाना चाहिए। तो सबसे पहले भाई साहब जो कटड़े की जो एज है वो जानना चाहिए। कटड़े की? हाँ जी साहिल भाई, ये इस 19 तारीख से 8वें महीने में लग गया। इस 19 तारीख से 8वें महीने में लग गया है। ठीक है जी। तो देखिए जी, इस 19 तारीख से जो कि 8वें महीने का जो कटड़ा है वो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं जी, बिल्कुल हाइट से लेकर के लेंथ एक बार खोल लो भाई साहब इसको। हाइट और जो लेंथ है जी कटड़े की काफ़ी अच्छी जो हमें देखने को मिली है जी, सारी की सारी डिटेल्स जानेंगे जो हमारे पशुपालक भाई हर वीडियो में पूछते हैं। हर वीडियो भाई साहब ने काफ़ी अच्छा जो कि कटड़ा है वो तैयार किया है। तो 8 महीने से जो कि अभी से कम है जी, बाकी देखिए करेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, साथ में जो इसकी माँ भी खड़ी है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं 8 महीने की एज में बिल्कुल अपनी माँ से जो कि हाइट बिल्कुल नज़दीक है वो लेता हुआ है। तो भाई जानना चाहेंगे इसकी फादर साइड कौन सी है? भाई फादर साइड कोहिनूर है। कोहिनूर है। हाँ। ठीक है। कोहिनूर का जो बच्चा है वो आप देख सकते हैं जी, और मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जो फील्ड में जो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कोहिनूर के जो एलडीएफ का जो बुल है काफी अच्छा बार फिर से साहिल कोहिनूर से ही क्या बिना। अच्छा जी, अब की बार भी इसकी माँ कोहिनूर से ही है क्या? ठीक, आप लेके आए थे सीमन अब की बार? बिल्कुल जी बिल्कुल, और पिछली बार भी। ठीक है। तो भाई साहब जानना चाहेंगे, लगभग 8 महीने की एज इसकी हो चुकी है, तो इसका डाइट प्लान क्या कुछ है अभी? डाइट प्लान साहिल भाई आपने चलवाया था इसको? अच्छा जी। हाँ। तो एक बार फिर भी आपसे देखिए, हमारा तो फर्ज है सिर्फ आपको बताना, फिर भी आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ आपने इसको डाइट प्लान दी है, कितना इसको दूध आपने पियाया है और क्या कुछ चीजें दी है? साहिल भाई दूध तो पिलाया पिलाया है, लेकिन आपने जो योगेश पंसारित मिलवाया ना भाई? अच्छा जी। वो न्यू मान लो एक सोने सुहा का काम था। अच्छा जी। हाँ तो देखिए जी, मैं बताना चाहूँगा भाई का जो कि भाई के पास हम आते जाते रहते हैं, तो भाई साहब ने हमारे से पूछे कि बच्चे को तैयार करने के लिए क्या कुछ जो कि चीज है वो देनी चाहिए। तो अपन तो साहिल ज्ञान ना ना था किसी चीज को। अच्छा जी। हाँ। ना भाई ज्ञान तो बहुत ज्यादा है आपके, न्यू मान लो योगेश पंसारी की मेहनत से। अच्छा अच्छा। नहीं जी, हमारा तो देखिए सिर्फ आपसे बताने का जो फर्ज था, बाकी देखिए आपने मेहनत की है और इतना अच्छी चीज़ जो कि अपने घर पे जो कि आपने तैयार की है जी। देखिए बुल और पहलवान जो कि तैयार करने में जो कि काफ़ी मेहनत लगती है जी, और बाकी देखिए कद काठी है जी कटड़े की काफ़ी अच्छी, बिल्कुल कोहिनूर का जो बच्चा है वो आप देख सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जानना चाहेंगे डाइट में क्या कुछ दे रहे हो आप इससे?
डाइट में साहिल भाई, एक तो योगेश भाई ने जेल दिया था। अच्छा जी। और एक थी काफ ग्रोथ की, तो आज भी आपके पास वो? हाँ, सभी चीजें हैं साहिल। ठीक है, एक बार वीडियो में रूटीन से हैं। ये तो जेल है साहिल भाई। हाँ, जो चॉकलेट बोली जाती है। हाँ, ये 3 किलो की बाल्टी दी थी। अच्छा, 3 किलो की बाल्टी दी। हाँ, 2 बाल्टी तो ये खिला दी मैंने। अच्छा जी। और 2 बाल्टी ये। अच्छा जी। और तो जो ये फाकी है ना, हाँ, यह बिल्कुल रेगुलर रवे है। अच्छा जी। जेल तो दिया करो साहिल भाई दूध में। अच्छा। 2-2.5 किलो दूध में। अच्छा, बाकी दूध वैसे भी फुल पीवे है। अच्छा जी। और यह पिलाया करो लस्सी में, दिन में लस्सी में। हाँ, तो ठीक है जी। ये देखिए जी, प्रोडक्ट है जी, साथ में आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जो इसको रिजल्ट है ना साहिल भाई। अच्छा जी, चॉकलेट का। हाँ वो न्यू मान लो कसुत्ता आखिर का आगरे ना। अच्छा जी, वो रिजल्ट है। ठीक है, तो काफी पशुपालक भाई मानते हैं कि दूध पिया के जो कि बच्चा तैयार हो जाता है, तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? ना तो एक लो दूध मायना रखे, ना एक ली जेल मायना रखे, मेहनत भी मायना रखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। इस चीज को असर और फाकी को असर न्यारो ही है। अच्छा जी। हाँ, तो देखिए, आपने जो कि शुरुआत में भी जो कि आपने अपने घर पे जो इसकी जो पिछले ब्याह की ककड़ी थी वो भी तैयार की है, लेकिन का बराबर तो भाई जालियो साहिल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने 18-19 महीना की हुई है और यो 8.5 महीना में लागे, 19 तारीख थी। अच्छा जी। जो ये 19 आओगी इसने 8 को होगी 9 में लाग जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, जो आपने प्रोडक्ट जो खुवाया है, ठीक है, तो रेगुलर दिया होगा? बिल्कुल रेगुलर, क्योंकि काफ़ी पशुपालक भाई सोचते हैं कि भाई एक दिन में पहलवाना बना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए, उनसे दिन रात मेहनत। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सारी चीज़ें लगती हैं भाई। हाँ। साहब, मेहनत भी लगती है, खर्चा भी लगता है, सारी चीज़ें अगर इकट्ठी जोड़ें तो काफ़ी ज़्यादा जो कि मेहनत करनी पड़ती है जी। हाँ, मेहनत खूब। तो देखिए जी, इधर जो फाकी है जी, मेरे हिसाब से गारंटी, या तो भाई का तो रेगुलर रखा है रूम में फाकी। अच्छा जी। जिस तरह अपना सेल परचेज को काम भी है। हाँ, पशु लेके आवा, उसने आमते एक साथ दिया करो मैं। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब रिजल्ट अच्छा है जी। कौन से साइड को पशु आ जाओ, दाई पड़ पड़ खा है। अच्छा। हाँ, फुल रिजल्ट मतलब कते फुल। देखिए जी, फाकी तो हमने भी यूज की है, इस चीज को रिजल्ट भाई काटड़ो बताने लागे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आगे है। तो देखिए जी, टेस्टिकल की जो ग्रोथ है जी 8 महीने की, जो की कम्प्लीट अभी से कटड़ा जी नहीं हुआ है, टेस्टिकल जी आप देख सकते हैं, काफी स्टिक जो टेस्टिकल है। और बात करेंगे जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, जो पीठ बाडी है जी काफी अच्छी, और जो सींग है वो अभी आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जो मेल काफ होते हैं वो लगभग लगभग जाकर के जो कि 1 साल से प्लस होकर के जो कि सिंगों को जो कि राउंड है वो करते हैं। बाकी देखिए, जो लेंथ है वो काफी अच्छी देखने को मिली। ठीक है भाई साहब, इनको आप देख दो, इसकी माँ के ऊपर आपको एक बार लेके जाना चाहेंगे जी, काफी अच्छी है। और बाकी भाई योगेश भाई साहब भी बुला रखे, मैं आपसे मिलवा भी दूंगा। अच्छा, आओ भाई साहब, एक बार आ जाओ भाई साहब। तो योगेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई। और घर परिवार सब मौज में? बहुत अच्छी बात है जी। तो भाई का जो आपका आपने जो इतना अच्छा प्रोडक्ट जो आपने तैयार किया, आज फील्ड में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई भाई। तो देखिए, जो आप वैसे तो हमारे साथ रहते हो, लेकिन देखिए फील्ड में जब जैसे जैसे रिजल्ट मिलता है तो हमें भी क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारे साथ रहते हैं, जो इतनी अच्छी चीज़ जो कि खर्चा लगा के जो हमारे पशुपालक भाइयों के लिए इतनी अच्छी चीज़ जो कि तैयार होकर के दे रहे हैं फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई मैंने ही नंबर दिए थे भाई ना जी। बिल्कुल, तो आपके पास पहुँचे थे। बिल्कुल, ठीक है जी। सबसे पहले तो शर्मा जी का धन्यवाद है भाई। धन्यवाद तो हमने आपका करना चाहिए, विश्वास किया। अच्छा जी। और सबसे पहले देखो, मैंने शुरुआत की अपने मंजीत भाई है, उसके कटड़ू सिल्लू पे। हाँ जी, हाँ जी। उसने अपना रिजल्ट अच्छा दिया, कटड़ू ने अपना नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो उसके बाद भाई मैंने लगभग 100 से 150 कटड़ुओं पे प्रोडक्ट दिए। अच्छा जी। हर जगह अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट टॉप क्वालिटी के आए। अच्छा जी। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट तो देते हैं, पर वो कुछ समय के लिए देते हैं, जब तक वो खिलाते हैं वो लंबे समय तक नहीं देते। बिल्कुल। अपने जो भी प्रोडक्ट है भाई, ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से तैयार किए हुए प्रोडक्ट, अच्छा जी, लंबे समय तक रिजल्ट देंगे आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखिए जी, आपका भी काफी मेरे हिसाब से। और साहिल भाई एक बात और, योगेश का कहने पे विश्वास नहीं कर रहा, इस चीज को तो मैं जिम्मेवार हूँ रिजल्ट ना हो। अच्छा जी। हाँ, 100% घणो तगड़ो रिजल्ट है। अच्छा जी, हर एक चीज को। ठीक है जी। तो सारी चीज कते हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जो पशुपालक भाई जो लेके जाता है जी प्रोडक्ट,
वो अगर आगे से बोलेगा जो सोशल मीडिया पे आकर के, तो देखिए कहीं ना कहीं पशुपालक भाई जो आज के टाइम में पशुपालन पे इतना जो रुझान छोटा काट रहा है वो काफी अच्छा है। वह भाई मेरा कहने के ऊपर एक बार यूज करें, मतलब दो तीन डब्बा तो ये एक साल को काट लो इतना और दो डब्बा ये और फाकी रेगुलर दे। फाकी तो किसी भी पशु से दे सकते हैं, किसी भी पशु को दे सकते हो जो व्यापारी भाई हो, केवल दो खुराक दो, अच्छा दो जी। दिन में पशु सेट हो जाएगा, ये अच्छी खाएगा, चक पानी पिएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, फुल गारंटी होगी जी। ये तो भाई साहब आपने फाकी मेरे से भी दी थी, रिजल्ट बहुत जबरदस्त है भाई साहब, इससे तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा और ऑर्गेनिक और जड़ी बूटी से तैयार करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो एक बार भाई साहब योगेश, कोई पशुपालक भाई घर बैठे मंगाना चाहिए तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई पूरे भारत में घर बैठे प्रोडक्ट भेजते हैं, अच्छा जी, केवल व्हाट्सएप कीजिए अपना पता भेजिए, ठीक है, दो से तीन रोज में आपके घर प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बाकी आप एक बार एड्रेस और बता दीजिए अपना। योगेश पंसारी, कनीना मंडी, महेंद्रगढ़, हरियाणा। ठीक है जी, तो देखिए जी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए, 94-666-16-601। ठीक है, तो देखिए जी रिजल्ट आपके सामने है। बाकी देखिए पशुधन को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। बाकी देखिए कटड़े के ऊपर जितना भी बोले जी उतना कम, 8 महीने की एज में आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, और 8 महीने जी ये बात नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं कि कटड़ा वो 15 महीने का और बता दिया 8 महीने का, क्योंकि हमारे आगे ही जो कि इसने काउिंग की थी, क्योंकि तो इसकी माँ दूध दे रहते हैं जी। आज कितने लंबे टाइम तक है आपने पास भाई? अपने शुरूती है, शुरूती है, ठीक है। पहला ब्याह में कटड़ो थो, दूसरा कटड़ी थी, तीसरा फिर कटड़ो, चौथी बार काविंग करेगी, ठीक है। तो ये इसके दूध की जो कि उसकी मैं तो जानता ही क्योंकि मैंने देखा भी है, बाकी हम आपसे आपके मुंह से जानना चाहेंगे क्या कुछ दूध दिया हुआ है, क्योंकि इसकी ताजी की मेरे पास वीडियो है, वो भी जैसे कि आप जो स्क्रीन पे साथ साथ में देख भी पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ड्राई के ऊपर जो कि नजदीक जैसे जैसे ब्याह के ऊपर जाएगी तो भाई साहब ने जो कि इसको ड्राई है वो करना पड़ेगा। तो क्या कुछ जो कि इसने पीक पे दूध दिया भाई साहब? साहिल भाई पीक की बात बता दूं, कोई भाई अपने दल पे नहीं ले, अच्छा जी, जिन भाइया की 25-26 किलो लायु में तोली है ना, वह भैंस जितनो 7 महीना हम दूध देंगे उतनो मेरी 5.5 महीना हम दे देगी, अच्छा जी, कति कम ते कम दाना मेर, अच्छा, नरेवारियों मिल जाओ इसने, क्या की जरूरत होनी, क्या की जरूरत होनी, ठीक है, 24-25 किलो दूध नॉर्मली रूटीन ती दे साहिल, अच्छा ठीक है। ये भी मतलब मैंने इसको बाखर बंद करे 10-12 दिन हो लिया, अच्छा, ये भी मतलब दूध थी बहुत स्टी डाउन जा 20 किलो दूध पे थी भी, अच्छा, ये 10-11 दिन थी 16-17 पे लेके आए हैं, ड्राई तो भाई सब करनी पड़ेगी जैसे जैसे भी, क्योंकि पिछली बार थोड़ी हरकत में आ गई थी, इसके बार भी आई जब मैं, अच्छा अच्छा ठीक है, दनु दन दूध काट दियो। तो दूध पीक पे पूरा दूध कितना दिया इसने भाई? इव के बार तो दियो थो जिस तरह हरकत में आ गई थी भैंस, थोड़ी बीमार सी हो गई थी, चढ़ाई वगैरह भी चल रही है, तो इव के बार तो 24,000 भर रह गई थी, पिछली बार ज्यादा दे रखे थे सेकंड टाइमर ने, अच्छा 25.5 किलो 26 किलो दूध पे पहुंच रही थी सेकंड टाइमर, ठीक है जी। देखिये एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी, लगभग 23-24 किलो जो दूध है वो इसका मैंने खुद भी देखा हुआ है जी। बाकी देखिए आप खुद से भी देख सकते हैं, क्योंकि दूध के टाइम पे यहाँ पे ज्यादातर जो कि वीडियो है वो हम कवर करते हैं, हमारे आगे भी जो कि दूध है वो इसका निकला हुआ है। बाकी लेंथ काफी अच्छी है, ब्रीडिंग पर्पज की जो भैंस है वो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, एक बार नीचे से आपको एलर्जी उलर्जी भी फड़ी पड़ी है भैंस, हाँ जी हाँ जी, और फिर भी दूध की बाल्टी चिकुनी सी टेक दे हमारा करते में ठोक दे गद गद, अच्छा हाँ ठीक है। तो अभी कोहिनूर से ही है? हाँ अब भी कोहिनूर से, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये देखिए जी, और अभी मौके पे जो कि 17-18 किलो दूध आज भी है जी मौके पे, और बाकी नशे हैं अडर में आप वो देख सकते हैं, करेक्टर्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, और इससे पिछले ब्याज की जो इसकी कटड़ी है वो भी आपको इधर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपनी माँ से बिल्कुल प्लस जो कि जाती हुई है। इसकी एज कितनी हो चुकी है भाई साहब कटड़ी की? इसकी साहिल इसका 27 अगस्त का जन्म है, अच्छा जी, उसका 19 सितंबर का नेट 27 मदन क्या बन हो जाए, अच्छा जी नेट 27 मदन 11 महीना में ब्याज है, ठीक है जी, मतलब एक साल के अंदर अंदर बच्चे दे दे, हाँ हाँ ठीक है जी, एक साल तो पहला दे दे, ठीक है जी। तो देखिए जी कटड़ी भी काफी अच्छी ज्ञापन हो चुकी है क्या कटड़ी? नहीं भाई अभी नहीं कराई ये बात नहीं करो, 2 साल की होने के बाद, ठीक है जी ठीक है। तो जो अपने पास जो कटड़ा है उसको एक बार गाड़ में लेके चलो, जो अपने पास ये बच्चा है भाई साहब ये सेल करना है या फिर कैसे क्या?
भाई सेल साल का तो इन तीनों मत कोई साहब चार को नहीं सेल खातर तो और बतेरा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। तो देखिए जी फिर भी कोई जैसे पंचायत वगैरह भी रहती है वो उत्सुकता जो कि आजकल जो कि जागरूकता है वो हमें देखने को मिल रही है तो वो कोई भी पशुपालक भाई लेना चाहे बाकी देखिए भाई कोई लेना चाहे तो फिर भी आपका कोई एक मन हो भाई जाए अगर दूंगा ना तो किसे पंचायत नहीं दूंगा ना किसे पशुपालक ना दूं। अच्छा या भी पक्की बात से सही तो पंचायत से ही दोगे। हाँ पंचायत नहीं दें। तो देखिए जी जब ग्राउंड में जब खुल के चलता है तो आपने तो रसाइल ना नहीं है कदे भी किसे पंचायत का नाम थे। अच्छा जी हाँ ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे आपको पशुधन का जो साइज है वो पता लगेगा और 8 महीने का भी से कंप्लीट हो नहीं अगर जाए कोई ब्रीडर लेगो तो मेरा काम थी फिर इसी मन देगो तो दूंगा। अच्छा जी हाँ ये देखिए जी और इसका दूध को खर्चो लूंगा जो इसके ऊपर कर रखे हो मैं। अच्छा जी ब्रीडर खातर या शर्त से ठीक है जी ठीक हाँ। है बहुत अच्छी बात है जी। देखिए पंचायत के लिए कोई बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए भाई का बाकी पशुओं की भी रेख देख काफी कम होती है क्योंकि जो चिड़ाई है वो यहाँ पे लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक चीज और ऐड मैं करना चाहूंगा जी भाई का जो फादर थे उनका एक्सीडेंट भी हो गया था तो वो भी जो कि बीच में जो कि दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई हैं। बाकी देखिए पशुधन को काफ़ी मेंटेन जो कि भाई साहब ने रखा है। बाकी ये देखिए नीचे से जो टेस्टिकल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो रूटीन से भी जो कि भाई का संदीप का जो कि स्क्रीन पे जो कि नंबर है आप इन पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी देखिए बार बार यही हमारे पशुपालक भाई पूछते हैं क्योंकि हमने भी जो कि बुल तैयार किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है जी लेकिन देखिए बच्चा तैयार करने की जो कि एक से काफ़ी यूनिक जो चीज़ है आजकल फील्ड में देखने को मिल रही है। लेकिन नहीं एक चीज़ को अगर हम दाब के देखें जो बिल्कुल जो देसी जड़ी बूटियों से जो कि भाई योगेश ने जो कि प्रोडक्ट है वो तैयार किए हैं और इतनी अच्छी चीज़ जो कि तैयार हो रही है वो हमें आगे देखने को मिल रही है। बाकी देखिए योगेश भाई का भी जो कि स्क्रीन पर नंबर है आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी समस्या हो पशु की पशु के संबंध में आप किसी भी प्रकार की जो कि समस्या हो तो आप भाई से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी भाइयों को नमस्कार सत श्री अकाल राम राम।